उत्तराखंड हल्द्वानी से आ रही है बड़ी खबर। कुलदार ने बालिका पर हमला कर उतारा मौत के घाट। नवभारत समाचार हल्द्वानी से अनिल कुमार गुरु की रिपोर्ट। तराई पश्चिम में वन प्रभाग की बेल पड़ाव रेंज में गुलदार ने हमला करके एक बालिका को मौत के घाट उतार दिया। गौरतलब रहे कि बालिका पर गुलदार ने उस समय हमला किया जब बालिका गांव की नहर पटरी पर कान में हेडफोन लगाकर अपने बाल बना रही थी। जहां पर पहले से घात लगाकर बैठे गुलदार ने बालिका पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर मौत के घाट उतार दिया। बालिका का शव झाड़ियों में पड़ा मिला। मृतका का नाम ममता थापा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार यह लड़की गोविंदी देवी इंटर कॉलेज बेल पोखरा में कक्षा 8 की छात्रा थी। वहीं वन विभाग के द्वारा उस क्षेत्र में वन कर्मियों की गश्त बढ़ा दी गई है। गुलदार की मॉनिटरिंग के लिए कैमरा ट्रैप भी लगा दिए गए हैं। विभाग के द्वारा गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगा दिया गया है और गुलदार की ट्रैकिंग भी की जा रही है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत चुनाखांड क्षेत्र में आज एक दुखद घटना हुई है, जिसके अंतर्गत एक गुलदार द्वारा बच्ची को वहां से उठाया गया है वहां से, और उसी घटना में बच्ची की मृत्यु हुई है। गुलदार को ट्रैक करने के लिए पगमार्क्स उसके देखे जा रहे हैं और साथ ही में हमारे स्टाफ द्वारा, वनकर्मियों द्वारा वहां पे कैमरा ट्रैप्स लगाया गया है। यहां पे एक इस दुखद घटना में मुख्य रूप से जो अनुग्रह धनराशि दी जाती है वहां पे उसका 30% वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया दिया गया है वहां पे प्रभावी वनाधिकारी द्वारा, और बाकी जो जानवर है उसकी मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग जो है वन विभाग द्वारा निरंतर की जा रही है।